आप सबका स्वागत है। आज हम 29 मई के ईश्वर वरदान में पहुंच चुके हैं। हमारे जो फीचर्स हैं उसके हिसाब से हम औरों का फ्यूचर बना सकते हैं, क्या आप ये सोच सकते हैं क्या? लेकिन ये कौन से फीचर्स हैं? क्या ये बाहरी रूप के फीचर्स हैं, क्या ये हमारे अंदरूनी रूप के फीचर्स हैं? इसको समझना थोड़ा जरूरी है, जो कि आज परमपिता परमात्मा हमें समझाएंगे। तो परमात्मा के अपने ही शब्दों में, महावाक्यों में, वरदान अपने फ्यूचर द्वारा अनेकों का फ्यूचर श्रेष्ठ बनाने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। बोलने की सेवा तो यथाशक्ति समय प्रमाण करते ही हो। जैसे बोलने की सेवा, ये भी एक बोलने की सेवा हो रही है। किसी को 7 डेज का कोर्स कराना, वो भी बोलने की सेवा है। लेकिन संगम युग का जो फ्यूचर फरिश्ता स्वरूप है, जो फरिश्ते होते हैं, वो किसी से भी कोई भी इच्छाओं का रिश्ता नहीं रखते हैं। उनका जो भी कर्म होता है उसका वो फल की इच्छा नहीं रखते हैं, इसलिए वो फरिश्ते हैं। उनको दुनियावी चीजों की, जरूरतों की इच्छा नहीं होती है, या हम एक तरीके से कहे लालसा नहीं होती है, या एक तरीके से कहे कुछ सेवा करी, कुछ कर्म किया, उसके बदले में उन चीजों की प्राप्ति होने की इच्छा नहीं होती है। तो वो हो गए फरिश्ते। वो किसी एक व्यक्ति को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि वो हमारा ब्लड रिलेशनशिप है, ये वो हमारा अपना है, या हमारे धर्म का है, हमारे जात का है, ये चीजें फरिश्ते नहीं करते हैं। वे आपके फीचर से दिखाई दे तब सहज सेवा कर सकते हो। यानी कि कोई अगर ज्यादा पोस्ट वाला, हाई पोस्ट वाला, हाई वैल्यू वाला है, उसके उसके प्रति ज्यादा इंटरेस्ट, और जो नॉर्मल पोस्ट वाले, कम पद वाले हैं, उनको थोड़ा किनारा कर दिया, ये नहीं कर सकते फरिश्ते। तो बाबा कहते हैं, जैसे जड़ चित्र फीचर्स द्वारा अंतिम जन्म तक सेवा कर रहे हैं। अगर आप जड़ चित्र देखें देवी देवताओं के, तो उनके चेहरे पर मुस्कान होती है, वो सदा हंसमुख रहते हैं, खुश रहते हैं, इसलिए सब जाकर के उनके सामने झुकते हैं, क्योंकि उनके अंदर पवित्रता है, जिस कारण से उनके अंदर सुख और शांति झलकती है उनके चेहरों से। जबकि वो सिर्फ मट्टी के, क्ले के पुतले हैं, ऊपर पेंट किया हुआ, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो रूहानियत है वो झलकती है। इसी तरह से परमात्मा कहते हैं, ऐसे आपके फीचर्स में सदा सुख की, शांति की, खुशी की झलक हो तो श्रेष्ठ सेवा कर सकेंगे। सुख की, शांति की, खुशी की झलक हो तो श्रेष्ठ सेवा कर सकेंगे। आपके फीचर्स को देखकर कैसी भी दुखी, अशांत, परेशान आत्मा अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना लेगी। आपके फीचर्स को देखकर कैसी भी दुखी, अशांत, परेशान आत्मा, दुखी हो, अशांत हो, परेशान आत्मा अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना लेगी। मतलब कि आपके संग का ही रंग उनके ऊपर लगेगा, आपके हसमुख चेहरे का, खुशहाल चेहरे का, आपके ज्ञानीत्व, देवत्व का, जो आपका अंदर का फीचर है आत्मा का, वो औरों को वाइब्रेशन के द्वारा उनको हल्का महसूस कराएगा। तो ये सब तभी पॉसिबल है। और अगर बाय द वे आप चाहते हैं कि आपके घर वाले भी ये शांति महसूस करें, आपके साथ में रहते हुए आपके आजू बाजू वाले ये शांति महसूस करें, तो फिर आपको ब्रह्मा कुमारीज का ये 7 दिन का कोर्स करके, अपने आप को परमात्मा से जोड़ करके, अपने अंदर के फीचर्स को चेंज करना बहुत जरूरी है, ताकि आपका भी फ्यूचर चेंज हो जाए। इसके साथ ओम शांति।